शिवहर सांसद रमा देवी ने नागरिकता संशोधन कानून पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक घटना है जिसे इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस कानून के बनने से पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आए लाखों अल्पसंख्यक शरणार्थी को भारत में नागरिकता के माध्यम से आश्रय दिया जाएगा। इस कानून से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी के जीवन में आशा की एक किरण जागी है। क्या नुकसान है या फायदा है? उन लोगों का तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन गलत फहमी में आकर लोग सड़क पर उतर कर अपना हुमाम किया, दूरा फूरा जलाया, अलोड़ाबाजी किया, आदमी को मार दिया या क्या किया। लेकिन वो जानकारी प्रत्येक आदमी को अगर होता तो वो सड़क पर नहीं उतरता। यहाँ पर इतने अच्छे कानून बने जो शरणार्थी थे, जो पाँच ये जो जाति लोग आए हैं हमारे पास, धर्म के लोग जो आए हैं उनको मने हम लोग नागरिकता देने का काम किए हैं। ये चीज को समझ में नहीं आया। उन लोगों को ये कहा गया कि मुस्लिम लोग को भगा दिया जाएगा, मुस्लिम लोग को नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा अफवाह फैलाने वाले आदमी बिना मतलब के सड़क पर उतार कर लोगों को डरवाने का काम किया। तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा लोगों को कि इन लोगों को समझदारी की कमी है।